उल्हास मेरा 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 उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। तो आइए देखते हैं क्या है इसके घटनाक्रम और क्या है इसकी गतिविधियाँ। मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ पे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। दशहरा मैदान के पास स्थित इंदिरा गांधी गार्डन परिसर में अव्यवस्था का माहौल है, जिसे ठीक करने के लिए उप महापौर श्री जीवन इंदानी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे शहर उल्लासनगर में वैसे ही बेहद कम गार्डन हैं, और जो गार्डन हैं उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं रखी जा रही है। यहाँ पर उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि कैंप 3 स्थित इंदिरा गांधी गार्डन की व्यवस्था बनाई रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर लंबे अरसे से गंदगी का साम्राज्य है, बहुत सारे मच्छर हैं, बीमारियाँ पनपने की आशंका है। इसीलिए परिसर वालों की यह समस्या निपटाने के लिए उप महापौर श्री जीवन इदनानी और साई पार्टी की टीम हमेशा तत्पर रहती है। इसी उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह उल्लासनगर मनपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ दौरा करवाया गया। इस अवसर पर साई पार्टी गंगाजल फ्रंट के अध्यक्ष और उप महापौर जीवन इदनानी और साई पार्टी के नगर सेवक उपस्थित थे, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ अव्यवस्था है, जिसे बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर तुरंत जनता की समस्या का समाधान नहीं होता तो यह काफ़ी दुष्कर होगा। तो कॉरपोरेशन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ पर व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। परिसर वालों को बेहद खुशी है कि यहाँ के नगर सेवक उनकी समस्या को जानते हैं और उसका निदान करना बेहद ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने साई पार्टी के नगर सेवकों का धन्यवाद किया है। प्रॉब्लम ये है कि आज सुबह ये हम लोग अभी पैनल नंबर 11 दशहरा मैदान में, दशहरा गार्डन हमारा जो है ये, इसकी समस्याओं के बारे में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसकी परिस्थिति काफ़ी बद से बदतर है। हमारे नगर सेवक बहुत कोशिश कर रहे हैं इसे रिनोवेशन करने के लिए। इसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह हैं, यहाँ पे कीचड़ का है, मच्छर वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी परेशानियां हैं। हम चाहते हैं कि इसमें प्रशासन थोड़ा अपनी तरफ इसमें ध्यान दें और इसे और बेहतर करने की कोशिश करें। मैं हमारे तीनों नगर सेवकों, चारों नगर सेवकों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह को बुलाकर ये असली इस परिस्थितियों को सामने मुआयना किया, जायज़ा लिया और ये सच्चाई बयान की है कि इस गार्डन की परिस्थिति वाकई बहुत ख़राब है और इसे जल्द से जल्द रिनोवेशन करने की, इसमें नगर सेवक साहब जीवन इंदानी जी, कविता पंजाबी जी, रवि जग्यासी जी और इंदिरा उदासी जी, इन्होंने इनिशिएटिव काफ़ी अच्छी तरीके से लिया है और इसमें एग्जीक्यूटिव को बुलाकर उसकी परिस्थितियों का सच में मुआयना करा के जायज़ा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये वाकई में इसे बहुत रिनोवेशन की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं
कि भाई इसे जल्द से जल्द ये लोग इसको इनिशिएटिव लेकर इस स्वच्छता में और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। थैंक यू। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। अमन टाकिस रोड पर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में तीज पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं और युवतियों को मेहंदी लगाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री अनिल साईं जी। जय श्री हरि। अज मुख्य बुधाई ढी खुशी थी रही है तो अज तीजरी के ढी श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर में तीजरी माता जी कथा आयोजन किया वो ए तीजरी जो जो मेहंदी फेस्टिवल आ सभी के मेहंदी मुफ्त शेवा मेहंदी जी दिनी वही बॉम्बे में कलाकार आया मेहंदी हणन के लिए केतन ही माताओं ने भेनरों जो असूँ उन्होंने सभी ढो फायद वरतो सुठे नमूने मेहंदी हराई वही एन वक्त कथा आयोजन किया वो आ मुख्य ढो खुशी थी थे बुधाईदे तो इन श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर में बया भी केतरा ही प्रोग्राम जी तो अस महालक्ष्मी सगरा उ भी दिना वा उनकी भी कथा बुधाई वी उन गोग थदरी माता की भी कथा बुधाई वी एके प्रोग्राम सिंधी जहाँ जो असा प्रेमी कंदा आयो उ सब श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर में हमेशा टाइम टू टाइम थन्दा रहंदा तवा भी अचो ए अची कर कथा बुधी कर जन्म सफलो कर। जय झूलेलाल, जय श्री हरि। मां मेरा उल्लास चैनल जो ढो शुक्रगुजार आया एन रमेश जो अस आया प्रेमी मान जो ढो शुक्रगुजार आया तो यो इतना कवरेज कर तो असा के असो जो को प्रोग्राम आ यो अधिक सक्सेस बनाया तो। जय श्री हरि, जय झूलेलाल। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। बिजली विभाग की मनमानी तानाशाही तो जग जाहिर है, लेकिन इस विभाग में कितने घोटाले कितनी लापरवाहियां होती हैं ऐसा एक मामला सामने आया है। हम माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय प्रधानमंत्री जी तथा ऊर्जा मंत्री का ध्यान उल्लासनगर बीज वितरण कंपनी की लापरवाही की ओर दिलाना चाहते हैं, जिससे आम जनता को उसका भूदंड भरना पड़ रहा है। कई ऐसे मीटर खरीदे गए हैं जो जिसके वजह से वो बिना लोड ही चल रहे हैं, जिस का हमने बालाजी अपार्टमेंट में देखा एक मीटर में वो कई सालों से पीडी किया नहीं और क्लब किया गया सर्कुलर नंबर 110 के मुताबिक, लेकिन वो निकाला ही नहीं गया। आज उनको 15,000 का बिल आया है, तभी वो पता चला कि भैया मीटर ऐसा ही लटका हुआ है और बिना लोड चल रहा है। सरकार को चाहिए यदि पारदर्शिता और अच्छे दिन लाना है तो कम से कम इस और ध्यान देगी जनता को उसका भूदंड, ग्राहक को उसका भूदंड ना मरना पड़े। अंकल, ये करीबन कितने दिन से चल रहा था ये मीटर, ऐसे ही आउटपुट नहीं दे रहा है बाकी इनप्लग्ड है? कम से कम अभी पता तो हमको अभी चला कि अभी चल रहा है,
तो आपके हिसाब से कितना लूट मतलब लूटमारी कितना चल रहा है? कम से कम 2015 से चल रहा है। क्या था इधर प्रॉब्लम, क्या था मेन प्रॉब्लम? ये है कि मीटर ऑटोमेटिकली चलना चालू हो जाता है, जो मीटर खरीदे वो निष्कूट दर्जे के, मतलब आउटपुट है ही नहीं, आउटपुट है ही नहीं। आप ही अभी रीडिंग घूम रहे हैं, रीडिंग चलता रहता है। कई ऐसे मीटर है जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। विभाग उल्लासनगर विभाग वन और विभाग टू के ग्राहक को बीज वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लूट रहे, खुलेआम लूट रहे हैं रीडिंग के द्वारा, कि जो के मीटर जिसको मीटर यदि बंद में चल रहे हैं तो उसको रिवाइज करके ना देखे आपका इतना ही बिल आता है, ऐसा है वैसा करके ये कर रहे हैं। तो इसकी उच्चतरीय या न्यायिक जाँच होना ज़रूरी है जिससे आम ग्राहक को इसका फ़ायदा मिले। जो अधिकारी इसमें जोड़ती है, अधिकारी और कर्मचारी, उनको तुरंत मुअत्तल करे ताकि आम जनता को जिसका फ़ायदा हो, ग्राहक को और जनता को फ़ायदा हो, तथा विभाग वन और टू की जाँच वो गुप्तचर विभाग या रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से करवाए। और अभी कुछ साल कुछ दिन पहले एक केबल डाला गया जिसका सब स्टेशन सी ब्लॉक में हुआ, 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उस केबल को, लेकिन उसके केबल में वो डैमेज होता गया, ऊपर ही डाला, कम से कम 4 फुट नीचे डालना चाहिए। हमने कई पत्र प्रधानमंत्री को, ऊर्जा मंत्री को लिखे, लेकिन आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। भाऊ परसराम झूलेलाल ट्रस्ट की तरफ से कई मेडिकल सेवाएं सालों से दी जा रही हैं, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं भाऊ लीलाराम साहेब जी। ए आए लाल सभी चौ झूलेलाल, असने भाऊ परसराम झूलेलाल मंदिर में 20 साल का हॉस्पिटल चालू आई, इतने अलग अलग किस्म जहाँ डॉक्टर इंदा आहिनि ऐं शेवाऊं कंदा आहिनि, ऐं ख़ासि करे अखियुनि जी ऑपरेशन कई वेंदी आहे। उनखां पोइ हाणे असां नए नमूने सां ब्लड कलेक्शन जो सेंटर चालू कयो आहे, जिते हर कंहिं क़िस्म जूं टेस्टियूं कयूं वेंदियूं ऐं बाज़ारि खां तमामु घटि रेट में शेवा जे भाव सां कयूं वञनि थियूं। तव्हां सभिनी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे वेनती आहे त जंहिंखे बि काई टेस्ट कराइणी हुजे त झूलेलाल मंदर में सुबुह जो 9 खां 1 ताईं ऐं शाम जो 6 खां 8 ताईं सेंटर चालू हूंदो, तव्हां अची करे शेवा जो लाभ वठी सघो था। ए आयो लाल सभई चओ झूले। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। गोल मैदान पर एक ऐसा स्थान है जहां पर सीनियर सिटीजन भजन कीर्तन करते हैं और सत्संग का लाभ उठाते हैं, लेकिन इस स्थान की हालत बहुत खराब है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो यहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गोल मैदान परिसर में बुजुर्ग लोगों के लिए एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर भजन कीर्तन पूजा पाठ होता है और लोग यहाँ सत्संग सुनने को आते हैं। काफ़ी सारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ रोज़ सुबह सवेरे और शाम को भजन कीर्तन करते हैं और सत्संग का लाभ भी उठाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से इस स्थान की दुर्दशा काफ़ी बढ़ गई है। दीवारों और छत पर छपरे गिर रहे हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। उल्लासनगर मनपा प्रशासन का कई बार यहाँ ध्यान दिलवाया गया है, लेकिन मनपा प्रशासन सुन नहीं रहा है। आइए लेते हैं इसका जायज़ा कि गोल मैदान के इस परिसर की, जहाँ पर बुज़ुर्ग आकर बैठते हैं और सत्संग भजन कीर्तन का लाभ उठाते हैं, वहाँ कैसी दुर्दशा है। क्या इस परिसर में जल्द ही व्यवस्था हो पाएगी, ऐसा बुज़ुर्ग राह तक रहे हैं। असां खां उहो कंप्लीट कई आहे हिनखे, जीअं असां महीने खनि में हफ़्ते खनि में ठाहींदासीं, हाणे सो कमु कोई थियो ई न आहे। मथां वॾा किरनि था छपरा,
कोई वजह तो उनके धक बक लग गया ये बरसात जी चालू थी जो मुझे झंझट थन्द पानी मसा लीक तो थे मानी मसा वाटर प्रूफ करा दियो या तो पतरा हणा दियो जो हमें झंझट न थे ऐसो शेड बाहर लगल हों तो कोई मानू बी भी सको उन पानी में अंदर तो थे मूल इंदा जाम सत्संग में अंदर मानू बरसात में वही ना सकन न कोई थो न के सब बची वे पंखो कर बची गया हाँ सब पंखो किड़ी पो विच में न कें लगो बचा थी सभी जो हाई भाई छा दिन या मत छपरा वहा दिन पतरा या वाटर प्रूफ करा दिन। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी 14 अगस्त को दादा गोविंद राम दरबार बंगलो एरिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण लीला का आयोजन होगा। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब शहरवासियों को मैं कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी के अवसर पर मेरे प्रभाग में दो प्रोग्राम रखे गए हैं। एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, वो है 13 अगस्त को सवेरे 10 से 2 बजे तक वेलकेयर हॉस्पिटल में। उसमें ऑर्थोपेडिक चेकअप और फ्री बीपी चेकअप, जनरल स्पेशलिस्ट सर्जरी चेकअप बच्चों का होगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आने वाले हैं। और 14 अगस्त को शाम को 7 बजे दादा गोविंद राम दरबार में मेरे प्रभाग में 16 नंबर कैंप में मेरे घर के बाजू में ही ये प्रोग्राम रखा गया है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भजन कीर्तन और नृत्य कृष्ण लीलाएं भी रखी गई हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि पूरे शहरवासी यहाँ पे आके आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखिएगा 14 अगस्त को दरबार में, दादा गोविंद राम दरबार में 7 बजे, शाम को 7 बजे आइएगा जरूर। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पत्रकार और भाजपा उपाध्यक्ष महेश मूलचंदानी का जन्मदिन उल्लासनगर मनपा के हाउस लीडर के केबिन में मनाया गया। इस अवसर पर कई पार्टियों के नगर सेवक, समाज सेवी और पत्रकार उपस्थित थे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए जो लोग अपना अमूल्य योगदान देते हैं, मेरा उल्लास की टीम आपको मिलाती है ऐसे ही किसी ना किसी शख्सियत से। तो आइए आज मिलते हैं ऐसे ही एक गणमान्य व्यक्ति से। जय झूलेलाल। सिंधी भाषा, सभ्यता, संस्कृति लाइ जेके शख्स पाण मोकिंदा आहिनि, पंहिंजूं सेवाऊं अर्पित कंदा आहिनि, उन्हनि जी असीं मुलाक़ात कराईंदा आहियूं मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में। अॼु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि श्री राकेश कारा जी, जेके बहुमुखी प्रतिभा जा धणी आहिनि। के हूंदा आहिनि सिर्फ़ पंहिंजी कला, पंहिंजो जोहर ॾेखारींदा आहिनि अभिनय जे ज़रिए, पंहिंजी एक्टिंग जे ज़रिए, पर राकेश वरियनि खां वठी करे न सिर्फ़ स्टेज ते एक्टिंग कंदा आहिनि पर उन सां गॾोगॾु लाइटिंग, म्यूज़िक संभालणु, स्क्रिप्ट ऐं स्किट लिखणु, हिदायतकारी करणु, त इहे सभु ॻाल्हियूं इन्हनि में समाहित आहिनि जेके इन जे कला खे सिंध ते जे सेवा सां जोड़ियुनि थियूं। राकेश, तव्हांजे हिन ड्रामा नाटक कला जो सफ़र कॾहिं खां शुरू थियो ऐं कीअं शुरू थियो की तव्हांखे कंहिंखे ॾिसी प्रेरणा मिली या पंहिंजो शौक़ु हो या ईअं लॻो की सिंधियत जी सेवा बि थींदी? 1997-98 जी ॻाल्हि आहे जंहिंमहिल मां 11th आर के टी कॉलेज में हुयुसि। उते मुंहिंजी मुलाक़ात
असांजे मुंहिंजे गुरु जेके सिंधी रंगमंच जा महान कलाकार बि आहे सदा हयात श्री रमण राजपाल सां थी, जंहिंजे मां माना ईअं चवां त मूंखे ठाहिण वारा श्री रमण राजपाल आहिनि। उते उन्हनि खां मां पहिरियों त एक्टिंग जी ए सिखी, जेका मेन नाटक छा थींदो आहे, असांखे त नाटक जो मतिलबु ई न ख़बर हूंदी। त जंहिंमहिल रमन सर पहिरियों दफ़ो मिलिया त हुननि असांखे नाटक जो मतिलबु ॿुधायो, त नाटक जो मतिलबु थींदो आहे न अटको, अटकणो न अथव, कंदा हलो। तॾहिं बसि उन्हनि जे राह ते उन्हनि जे पोयां हलंदा वियासीं, न अटकियासीं ऐं कंदा हलियासीं। पहिरियों नाटक त भले मस्ती मज़ाक में हुयो, तॾहिं नाटक कयो हुयो सुभाणे खां मस्ती मज़ाक में कयो। पोइ जंहिंमहिल असां सर जा वर्कशॉप अटेंड कया, उते एक्टिंग प्रॉपर सिखी, उन खां पोइ चारि साल मां सिंधी नाटक कया ऐं चारई साल बेस्ट एक्टर जो अवॉर्ड खटियो हुयो। उहा रमण सर मां वरी ॿी मां जेका ॻाल्हि सिखी त फ्रंट स्टेज ही सिर्फ़ु सभु कुझु न थींदी आहे। जेको हर कोई चवंदो आहे मां अॼु एक्टर थियां, अॼु सिर्फ़ु फेस अचे मुंहिंजो, बैक स्टेज बि जाम ज़रूरी हूंदी आहे। सर मां सेट लॻाइणु ऐं लाइटिंग छा थींदी आहे, इहे ॻाल्हियूं सिखियूं। वरी उन्हनि ॻाल्हियुनि खे निखारियो श्री जसवंत कुमार। जसवंत कुमार मां लाइट्स ॾियणु सिखियुमि, जसवंत कुमार सां वेही करे उन्हनि लाइट्स कीअं ॾिबियूं आहिनि उहे बि सिखियुमि। एस पी मेघाणीअ मां सेट कीअं लॻाइजे चङी तरह, जेको अॼु नाटकनि में सेट लॻंदो आहे जाम घटि माण्हुनि खे ईंदो आहे, उहो सेट कीअं लॻाइजे मां एस पी मेघाणीअ मां सिखियुमि। वरी अनिला सुंदर वटि त पंहिंजो हथु साफ़ु करण जो मौक़ो मिलियो, जेको अॼु ताईं कंदो अचां थो। हेतिरा साल तव्हीं शेवा कई आहे ऐं सिंधी नाटक करे पाण मोकियो आहे, त अहिड़ा घणेई इनाम इकराम मिलिया हूंदा, स्वागत थिया हूंदा मंच ते। रमेश जी, मां हिकु ॻाल्हि ॿुधायां त मां अॼु ताईं पंहिंजी माना चवंदा आहिनि हर कोई बायोडेटा लिखंदो त मां 100 नाटक कया आहिनि, 200 नाटक कया आहिनि, मां अॼु ताईं न लिखियो त मां घणा नाटक कया आहिनि। बसि कंदो हलियो आयो आहे ऐं हिकु उमेदु आहे त कंदो रहंदुमि, पोइ जेको मिलंदो आहे आखिरि। ईअं कॉम्पिटिशन्स में त अवॉर्ड मिलिया, उन खां पोइ ज्योति कला मंदिर बि सम्मानित कयो आहे, हाणे वेझिराईअ में चेटीचंड ते सिंधु सर्किल बि सम्मानित कयो। बाक़ी सम्मान ई सभु कुझु न आहे। असांजा गुरु रमण राजपाल हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा हुया त सिंधी रंग सिंधी ॿोलीअ खे अगरि बचाइणो अथव त सिर्फ़ु हिकिड़ो ई तरीक़ो अथव, नाटक। छाकाणि त इहा तव्हां हर माण्हू ताईं माण्हुनि खे ज़िद न करे सघंदा आहियो त ॻाल्हायो, तव्हां घटि में घटि ॿुधाए था सघंदा आहियो न, इन बहाने ई सिंधी ॿोली बचंदी। बसि उहा हिकु कोशिशि आहे, अॼु असांजा गुरु न आहिनि पर मां जंहिंमहिल बि किथे बि अगरि मां प्रोग्राम कंदो आहियां त मूंखे इहा हिकिड़ी लॻंदी आहे त मूंसां मुंहिंजा गुरु गॾु आहिनि। तव्हांजे ग्रुप जे तरफ़ां त इहा हिकिड़ी शुरूआति थी वई आहे, नई शुरूआति जंहिंखे चइजे, के हाणे तव्हांजा जेके नाटक थियनि पिया उन्हनि में सिंधी पब्लिक अची करे, सिंधी दर्शक अची करे पाण ॾिसनि था, हिमताइनि था, डोनर पासिस या टिकेटूं वठी करे अचनि था। उन में बि असांखे जाम तकलीफ़ थी अथव। मूंखे यादि आहे जंहिंमहिल असांजी फिल्म हिकु नागपुर जी ऑर्गेनाइज़ फिल्म नागपुर जी ठहियल फिल्म हुई वाइसरगम, जंहिंमहिल उहा रिलीज़ थी असां माण्हू वटि वञूं पिया फिल्म ॾिसूं या नाटक बि। जंहिंमहिल असां पहिरियों दफ़ो मां सिंधु सखा संगम जे बैनर में असां दीवान गोवर्धनदास गोपलाणी नाटक कयो, जंहिंमहिल माण्हू वटि वञूं पिया त हर कोई चए पियो यार मूंखे त फलाणो मोकिलींदो टिकेट पास, तव्हां पैसा था वठो, उहो त मूंखे फलाणो भई हे मुंहिंजो हे आहे मुंहिंजो हो आहे, वी आई पी माण्हुनि जा नाला पिया खणनि सभिनी, ऐं मां तव्हांजे माध्यम सां सभिनी उन शहर जे जेके पाण खे सिंधियत जो शीदाई करे छॾींदा आहिनि, असां सिंधियत जा शीदाई न, असां कलाकार आहियूं, पर जेके सिंधियत जो शीदाई छॾींदा आहिनि भई असां हे कया हो कया, उन्हनि खे हिकु रिक्वेस्ट कंदुमि त कंहिं बि कॾहिं बि कोई कलाकार अचे वरितो त उनखे सिधो ईअं चओ त पासिस जा घणा पैसा थिया, प्रोड्यूसर्स खे पैसा मिलंदा त उहो कलाकारनि खे पैसा ॾींदो, कलाकारनि खे पैसा मिलंदा त उहो वधीक नाटक करण जी फिल्मूं करण जी सोचींदो। असांखे पंहिंजो धंधो आहे, अॼु पंहिंजो कमु आहे, सिंधी आहियूं भई पंहिंजे कम ते हलूं था, पर किथे न किथे अॼु कंहिंमहिल मां बि इहो सोचींदो आहियां त रंगमंच छॾियां, छाकाणि त इनकम न आहे, घरु हलाइण लाइ पैसा खपनि, माण्हुनि जी ताड़ियूं न खपनि खाली, त इन करे माने शहर जा जेके बि आहिनि वी आई पी माण्हू, महिरबानी करे पंहिंजनि माण्हुनि खे फ्रीअ में पासूं न वठी ॾेई उन्हनि खे बि पासूं वठिरायो, अगरि सिंधी नाटकनि खे वाक़ई तव्हां चओ था त बचनि। त हीअ आहिनि राकेश कारा जी, जिन बिल्कुलु ट्रांसपेरेंटली इहा ॻाल्हि चई आहे की सिंधी माण्हुनि खे सभिनी खे टिकेट वठी, डोनर पास वठी करे प्रोग्राम्स, सिंधी नाटक, सिंधी फिल्मूं ॾिसणु खपनि, ऐं उन सां न सिर्फ़ु कलाकार खे हिमत अफ़ज़ाई थींदी पर असांजी सिंधी
ॿोली सभ्यता बि बचंदी। मां मेरा उल्लासी बीच टीम जो शुक्रगुज़ार आहियां त हुननि हीअ ॾाढी सुठी मुहिम हिकु स्टार्ट कई आहे कलाकारनि खे घुराइण जी, छाकाणि त कलाकार जेके गुम थी विया आहिनि इन माध्यम सां साम्हूं ईंदा माण्हुनि जे साम्हूं त कलाकार बि आहिनि जीअरा। जय झूलेलाल। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए मेरा उल्लास की टीम आपको मिलवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से, जो देते हैं आपको हेल्दी और फिट रहने के टिप्स। जय श्री कृष्ण। जिस तरह इंसान पांच तत्वों का बना हुआ है और उसमें तीन शक्तियां काम करती है, आयुर्वेदिक के हिसाब से उसमें तीन शक्तियां काम करती है। ये शक्तियां कौन सी है? वात, पित्त और कफ। इनका बहुत बड़ा शरीर में रोल है। ये जब तक बैलेंस रहती है तो इंसान ठीक रहता है, जब ये बिगड़ जावे तो इंसान बीमार पड़ जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही जानकारी दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास जानकारी एकदम, और समझने वाली बात है। ये समझेंगे आज ना, उसको याद रखेंगे और अपनाएंगे ना, ज़िंदगी भर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और है भी एकदम आसान। क्या करना है? केवल जल, पानी, सिर्फ पानी। ये पानी कैसे काम करने का, क्या करेगा उसके लिए? जैसे सुबह जैसे आप खाना खाते हैं तो पानी मत पीजिए। पानी पीने से क्या होगा, जो आपका पानी अंदर शरीर में जाने से, पेट में जाने से, वो जो खाना खाया है अग्नि मंद पड़ जाती है, उससे क्या होता है दलदल पैदा हो जाती है और वायु पैदा हो जाती है, तो वायु वात रोग होते हैं। ये करने से 80 प्रकार के रोग होते हैं उसमें। और उसके बाद में आती है बात है पित्त। पित्त अगर बिगड़ जावे तो 50 किस्म की बीमारियाँ चालू होती है, और कफ अगर बिगड़ जावे तो 28 किस्म की बीमारियाँ चालू हो जाती है। कुल मिला के 158 तक बीमारियाँ हैं वो हो जाती है इंसान को। इनको बैलेंस करने का यही है कि जब भी आप खाना खाएं, एक घंटा पहले और एक घंटा बाद में कृपया पानी नहीं पिए। और दूसरा है सुबह उठकर जैसे उठते हैं ब्रश से पहले 2-3 ग्लास गुनगुना पानी और पालथी मार के और सिप सिप करके छोटा घूंट घूंट करके पिएंगे तो आपका जो पित्त है ना, पित्त का प्रकोप सुबह बहुत ज़्यादा रहता है, वो शांत हो जाएगा। और तीसरा है कि फ्रिज का पानी या कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी गलती से मत पीजिए, बहुत बड़ा जहर का काम करता है वो, उससे आपका कफ बढ़ता है, वो नहीं पिएंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। और कभी भी पानी पीते हैं ऐसा बॉटल ऊपर लिया और पी लिया, ऐसा नहीं, मुंह में पानी रख के आराम से उसमें लार जाना चाहिए तो वो अंदर जाएगी। ये अगर 4 नियम आप उसमें करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो मामूली सी बात है, पहले थोड़ा आपको आदत करने के लिए तकलीफ़ लगेगी, बाद में रूटीन में हो जाएगा वो, और कभी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, खुश रहेंगे, निरोग रहेंगे। मेरा उल्लास। धन्यवाद। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।